हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर ने पीटीए पोस्ट कोड 571 का परिणाम नहीं निकालने पर बार बार कार्यालय के चक्कर काट रहे अभ्यर्थियों के सबर का बांध टूट रहा है। 2 सालों से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाने पर प्रदेश भर के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने चयन आयोग को चेतावनी दी कि अगर 3 दिनों के भीतर परीक्षा परिणाम नहीं निकाला जाता है तो अभ्यर्थी चयन आयोग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। हमीरपुर चयन आयोग कार्यालय पहुंचे दर्जनों अभ्यर्थियों ने आयोग सचिव का भी घेराव किया और जल्द परिणाम निकालने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से दर्जनों बार चयन आयोग का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन बार बार आश्वासन ही दिए गए और सितंबर माह के बाद अब 12 अक्टूबर को परिणाम निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का स्टे भी हटे हुए 2 माह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन के भीतर भी परिणाम नहीं निकाला जाता है तो सभी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम नहीं निकाले जाने पर मानसिक तौर पर भी परेशान हैं, लेकिन विभाग परिणाम निकालने के लिए सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। कई बार मिलने आ चुके हैं यहाँ के सचिव जी से, हम पहले भी कई बार मिले हैं, लेकिन उन्होंने हमें बार बार बहानेबाजी करके आगे से आगे टाइम दिया है। पिछले 2 महीने से हम लगातार यहाँ पे 5-6 बार आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने पिछले महीने भी कहा था हमें कि पिछले महीने के अंत तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इन्होंने बार बार आगे से आगे तारीखें हमें दे रहे हैं। अभी भी हमें इन्होंने 12 तारीख दी थी कि 12 अक्टूबर तक ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक ये रिजल्ट हमारा नहीं आया है। जबकि हमारे साथ जो पैरेलल जितने भी एग्जाम हुए थे वो ज्वाइनिंगें भी कर चुके हैं और उनका रिजल्ट पहले ही घोषित हो चुका है, लेकिन हमारा रिजल्ट और 6 महीने पीछे जा चुका है, जिससे हम लोग सभी लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। कम से कम कोई 50 लोग तो ओवरेज हो चुके हैं, जो 45 साल के ऊपर हो चुके हैं, 45 साल जो यहाँ की आयु सीमा होती है कमीशन में एग्जाम में बैठने की, उससे पार हो चुके हैं। आश्वासन ही मिलेगा दोबारा से कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, इस महीने के अंत तक आ जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि 3 दिन के अंदर अंदर ये रिजल्ट घोषित किया जाए। अगर ये 3 दिन के अंदर ये रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो हम विवश हैं कि हम सचिव अपने आयोग के बाहर धरने के ऊपर बैठेंगे। हम जो लगभग 2 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा कि विभाग के द्वारा 2-3 बार परीक्षाएं ले ली जा रही है, लेकिन परीक्षा परिणाम घोषित करने में नाकामयाब रहता है और हम बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं इसमें ऊपर पहुंच रहा हूं। लेकिन विभाग लगभग 2 साल से हमें लटकाए हुए हैं और इसकी मंशा हमें समझ नहीं आ रही कि विभाग अपनी क्या मंशा लिए हुए है। वहीं आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि पीटी की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम के लिए आयोग काम कर रहा है और इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और दस्तावेजों में कमियों के चलते परिणाम लटका हुआ था। उन्होंने बताया कि आगामी कुछ दिनों में फाइनल नतीजा निकाल दिया जाएगा। ये मामला फिजिकल एजुकेशन टीचर के जो पोस्ट कोड 571 में भर्ती प्रक्रिया इस आयोग ने की है, उसके अंतिम निर्णय के बारे में ये लोग आए थे। तो ये इस कोड से संबंधित अभ्यर्थी थे, ये चाहते हैं कि इनका अंतिम परिणाम आयोग जल्दी से जल्दी घोषित कर दे। तो इसमें जो है इनकी मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो पहले ही पूर्ण कर दी गई है। इसमें कुछ दस्तावेजों में, कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कुछ कमियां पाई गई थी और उन कमियों को जो है आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय आयोग ने उन अभ्यर्थियों को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय दिया था, वो समय पूर्ण हो गया है और उसके बाद इवेल्युएशन टीमों द्वारा उनका मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है। तो अब उम्मीद है कि इस हफ्ते में फाइनल नतीजा आ सकता है। गौरतलब है कि चयन आयोग ने 25 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आश्वासन दिया था और फिर 12 अक्टूबर का समय दिया था, लेकिन अब अक्टूबर माह में भी परिणाम नहीं निकाले जाने पर अभ्यर्थियों में रोष बढ़ता जा रहा है, जिस पर दर्जनों अभ्यर्थियों ने चयन आयोग हमीरपुर में पहुंचकर जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की।